आत्मा परमात्मा मेरी आत्मा परमात्मा जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो मेरी यहाँ तुमने सभी को सुनाया ब्रह्म स्वरूप सभी को लगा गया
दयालु दया कभी हम पर भी कर दो, दयालु दया कब से जिधर देखो सतगुर नजर आ रहे हो, मेरी आत्मा कर्म जो करूं मैं अकरता बन कर मोह स
सरे पर को दिल बिठाया गया, सरे पर को दिल बिठाया, जिधर देखो सके नजर सरे पर गो दे बिठाया, देखो सते गुरु नजर आ मेरी याद माँ दरे दे को सते गुरु नजर आ रहे हो मेरी याद कर्म जो करूं मैं अकर्ता हूं, मोह माया ना व्यापे। पहले गुरु के विचार से अकर्ता बन बन कर कर्म करना पड़ता है, जरूरी कर्ता भाव में तो क्या होता है, हम कर रहे हैं तुम कर रहे हो, हमने ये नहीं किया तुमने ये नहीं किया, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये सब रहता है क्योंकि कर्ता भाव है। लेकिन जब गुरु के विचार से करते जाओ तो उसमें कर्ता भाव नहीं आता है, बन बन के करना पड़ता है। मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन गुरु जी के विचार है, ये उनके विचार से चलना है। बोले इस तरह से कर्म अकर्ता बन बन कर सागर करता है, तो एक दिन उसको महसूस होता है कि कोई कुछ नहीं करता है, तब उसको एक दिन ऐसा करते 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 महसूस होता है कि सच्ची कोई नहीं कुछ कर रहा है, सब कुछ ईश्वर से हो रहा है। तो ईश्वर से हो रहा है तो गुरु जी ने हम लोगों को ये बता दिया है कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो हमारा परम पिता है, वो परम सौहर्द है, हमारा परम हितैषी। फिर भक्त को ये भक्त को ही महसूस होता है, जो भक्ति से बार बार डिग जाते हैं उसका कारण ये है कि हम कर्ता बने रहते हैं, कर्ता बनकर ही कर्म कर रहे हैं। बन के करो लेकिन भाव में तो रखो गुरु का विचार कि कोई कुछ नहीं करता, किसी से कुछ नहीं हो रहा है, सब जड़ है, जड़ हर एक को ईश्वर ही हिला डुला रहा, लेकिन हम ईश्वर को न देखकर नाम रूप को ही देखते रहते क्योंकि हम खुद ही नाम रूप में, तो नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश तो भक्ति ही करते हैं, अभ्यास इसका करते हैं रात दिन, अभ्यास में ही धीरे धीरे क्या होता है कि वो खुद महसूस करते हैं इस बात को, कोई कुछ नहीं करता, सब ईश्वर से हो रहा है और ईश्वर से सब बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन ये एक दिन में समझ में आने वाली बात नहीं है, इसके लिए बोले ना जीवन लगता है, हम लोगों का जीवन लग रहा है, अभी भी धस जाए दिमाग में ये बात, जानो हमारे ऊपर आपके ऊपर कृपा हो गई है गुरु जी की, धसती नहीं है क्योंकि स्थिति परिस्थिति आती है उसमें बार बार मन ऐसे डिगता है, फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमकानी ऐसा कर रही है, मन बार बार दिखाता है। लेकिन आदत जो पड़ रही है ना गुरु के विचार से, वो आदत बड़ा काम करती है, तो इसीलिए बोला ना बहुत दिन की आदत बातों से नहीं गुजरती, ये आदत ही तो पड़ी है नाम रूप नाम रूप नाम रूप में रहना, हम नाम रूप में दूसरे को हम खुद करते हैं दूसरे को करता समझ रहे हैं, यही तो है सबसे बड़ा पाप।
कितने जन्मों तक करोगे पाप जो तुम कर रहे हो, मेरा तेरा बड़ा छोटा मैं तू मिटा दो। गीता का सार है, गीता का ज्ञान है, लेकिन इसका अभ्यास क्या आप बोलते बहुत है, लेकिन अपने नित्य के जीवन में इसको अप्लाई कितना करते हैं ये हर साधक अपना अपना जानता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, अप्लाई करना हम कैसे करते हैं अप्लाई वो हम अपना जानते हैं, आप अपना जानते हैं। बोले बार बार हर बात में उसको ही जब देखने लगते हैं, गुरु जी द्वारा जो अभ्यास कराया है उसने बड़ा काम किया है, उसने बहुत आराम दिया, क्योंकि वही अभ्यास तो जीवन भर की कहना चाहिए जीवन को चलाने की मास्टर की कह लो या कुछ भी कह ले, मास्टर की तो गुरु जी ने हाथ में दे दी। अभी मास्टर की जब जब साधक लगा लेते हैं तो आराम में आ जाते हैं, नहीं तो वो बस तू कर रहा मैं कर रहा ये कर रहा वो कर रहा, बस जिंदगी भर यही करते रहते हैं। ज्ञान कहते नहीं वही वाली बात याद आ जाती है कि चल तो रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, रात भर चप्पू चलाया दूसरे पार पहुंचने के लिए, इस पार से उस पार पहुंचने के लिए, लेकिन इसी पार में रह गए क्योंकि सबसे पहला काम तो किया ही नहीं था कि जो रस्सी से बंधी हुई किले में अटकी थी वो रस्सी ही नहीं खोली। उसके बाद सारे कर्म कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत मेहनत से क्या है हासिल कुछ नहीं हो रहा है, आगे में होता है तो कभी हो जाता है तो हमें लगता है हमारी मेहनत का फल है, हमारे कर्म का फल है, सब ये हम लोग ऐसा महसूस होने लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि ना हम करते हैं ना आप करते हैं, सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है, वही संसार को चैतन्य करे, वही अंदर बैठा है हम लोग के, तभी तो ये चैतन्य होता है शरीर, अन्यथा तो ये जग रहते हैं। यही अभ्यास बार बार करना है, हम सबको करना है, भूल जाते हैं गुरु के माध्यम से बड़ा आसान है अभ्यास करना, लेकिन हम अपनी ईगो में आके भूल जाते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं फिर संभलने का प्रयास करते हैं, कुछ दिन फिर गिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिरे उठे तो अच्छी बात है, उठे ही नहीं मैं ही करता रहे तब तो बड़ी मुश्किल है, तब बड़ी मुश्किल है, तब तो कोई मार्ग ही नहीं है पार जाने का, क्योंकि सत्कर्म का अहंकार चढ़ गया, सेवा का अहंकार चढ़ गया, प्रेम का अहंकार चढ़ा हुआ। बोले ये सारे अहंकार इतने एक तो बड़ा अहंकार गुरुजी बोलते थे मैं का आई है, जीव भाव का आई है, इतना फलानी उस पर इतने सारे ऊंट के अहंकार गुरुजी बोलते थे कि मैं। तो बोले कितनी ही दिक्कत होगी उस साधक को, उसके दिमाग में कितनी उथल पुथल होती होगी, कितना उसको इस भीड़ में अकेलापन लगता होगा। और एक गुरु जी विजय रहते हैं तो बोले अकेलेपन में भी शहनाई बजती नजर आती है, क्यों, क्योंकि अंदर ही है वो, गिला शिकवा ही नहीं किसी से, तो अकेले में भी शहनाई नजर आएगी। बोले एक गाना है ले चलेंगे तुम्हें हम वहां पर, शहनाई बन जाए तन्हाई बन जाए शहनाई, जहां पर तन्हाई भी शहनाई का काम करेगी, तो तन्हा नहीं तो बोले भीड़ जब हो तभी हमारा कुछ है अस्तित्व,
क्यों वहाँ अपने कर्म के माध्यम से कुछ दिखा सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े सेवक हैं। लेकिन गुरु जी ने तो बड़ा अंदरूनी खेल खेलने को कहा, अंदर में भक्त होकर हमारा, अगर हम गुरु के भक्त हैं तो गुरु के विचार से बसते हैं। बाहर के खेल में जब जब अंदर जाए तो एक ना दो तू ही तू करके रहे, जहां फलानी ढिमकानी करके रह रहे हैं वहां पे हम ही कहते नहीं अभी भी नाम रूप में फंसे पड़े हैं, दुहाई दे रहे हैं बहुत सारी, किस किस बात की, सेवा की, कर्म की, त्याग की, जप की, तप की, दान पुण्य की, उदारता की, हर बात की, अपने अंदर ही अंदर, बाहर नहीं है मुझे, अंदर कॉलर भी ऐठा रहता है, मुझे भी ऐठी रहती है, तना खड़ा रहता है। बोले भगवान में तना खड़ा, एक होता है भगवान में तना खड़ा, एक होता है नाम रूप में तना खड़ा। हालत हम अपनी खुद सोचने, हम नाम रूप में खड़े हैं कि भगवान में तने खड़े, क्या मिलेगा, क्या क्या हासिल हो जाएगा नाम रूप में तन के। रावण समानी भी बचने ना पाए, रात दिन हम लोग गाते हैं और इसका रोज रोज सुनाते हैं, अपने ही दिमाग से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं विषय पर, अगर भागते हैं तो, अन्यथा क्या करते हैं, मैं ऐसा कर रही, दूसरा ऐसा कर रहा, फलान ऐसा कर रही, ढिमकाना ऐसा कर रहा, मुझे ये नहीं मिले, वो मैंने क्या क्या पता नहीं क्या क्या। नामानो रे मन की सादत मानो ना, नामानो ना मानो रे मन की सादत मानो ना, नामानो ना मानो रे मन तो चाहता है माया में रमना, मन तो चाहता है माया में रमना, सतगुरु सिखाता है प्रभु नाम रटना, प्रभु को पाएगा भले भले रे, ना मानो ना मानो ना मानो रे मन की सादत मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन ही से है बस माया का चक्कर, मन ही से है बस माया का चक्कर, मन को लगा दे तू सतगुरु के ऊपर बात बन जाएगी ओले ओले रे, ना मानो ना मानो ना मानो रे मन की ऐसा आदत मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे, सतगुरु की कृपा से होएगा वश में, सतगुरु की कृपा से होएगा वश में, सतगुरु को साधक रिझा के ही रखना मन मिट जाएगा ओले ओले रे, ना मानो ना मानो ना मानो रे
मन की ऐसादत मानो ना, ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ना मानो, किसकी मानो, गुरु की मानो, तो मन से निकल पाएंगे, अन्यथा सत्कर्म का अंदर में गुणानुवाद अंदर रहता है, गुणगान अपना रहता है, तो वो निकल नहीं पाएंगे कभी भी। मन को देखना सीखना है और करना गुरु के विचार से, तब आराम मिलेगा। और करें भी हम मन के हिसाब से, सोचे भी मन के हिसाब से ही, तो दुखी ही दुख रहेगा, भले संसार का सारे पदार्थ मिल जाए वो, फिर भी मन दुखी रहेगा। कोई अभाव ना हो जीवन में, उसके बाद भी मन दुखी रहेगा, मन के कारण, क्योंकि मन से मिले हैं। जो अपना राज्य कायम करे रहना चाहता है, हमें हमारे राज्य से हमेशा वंचित ही रखना चाहता है, भाई कौन अपना राज्य छोड़े, बहुत मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। जो हासिल हो जाए उसको, उसको छीने तो बड़ा मुश्किल होती है। मन के साथ अगर मिले रहेंगे, मन के राज्य को कायम रखेंगे, तो मुश्किल तो आई है, जब तक साथी गुरु जी को नहीं बनाएंगे। कि निकालने वाला कौन है, निकालेगा ना, कैसे निकाल देगा, अपने आप बंधे हुए हैं, और हम कहें हम अपने आप निकल जाएंगे, सत्कर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से, और अटक के रह जाएंगे, और बोले और ज्यादा फंस जाएंगे त्रिगुणी माया से, और ज्यादा बद्ध हो जाएंगे, बंधे हो जाएंगे, प्रभाव उसी का रहेगा, भगवान का नहीं रहेगा, गुरु का बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अब भी समय है, कोई काम कर ले, गुरु की दुआओं से दामन को भर ले, वापस मिलेगा ना हमको जन्म, जीते जी ही अपना राज्य पा लेने का धर्म है हम लोगों का, और यही गुरु हम लोगों को मिला है, गुरु हम लोगों को इसमें टिका रहा है, लगा रहा है, हमें सही मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन हम माने तब, माने ना अपने ही गुणानुवाद में अंदर अंदर रहे तो कैसे हो सकता है। बहुत मुश्किल क्या संभव बात कि हम उस पार पहुंच जाए, सच बताना पड़ते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रवचनामृत का पान कराते हुए ज्ञान ध्यान तथा कर्म योग आदि साधनों में से भक्ति योग को सर्वोत्तम बतलाते हुए कहा कि आत्म तत्व की प्राप्ति का यह सुगम तथा सर्वोत्तम साधन है। इसकी महत्व को सुनकर इसके पूर्ण रहस्य को जानने के लिए अर्जुन ने निवेदन किया, भक्त आपके कुछ न करते सगुण रूप की भक्ति निश्चय, निर्गुण की भक्ति में रत है कुछ, श्रेष्ठ कौन दोनों में भगवान। प्रभु जो अनन्य प्रेमी भक्त जन निरंतर आपके भजन ध्यान में निरत रहकर आपके सगुण साकार रूप की श्रद्धा व प्रेम पूर्वक उपासना करते हैं, तथा दूसरे वे जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी स्वरूप की उपासना में रहते हैं, आपके विचारानुसार इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठतर कौन है। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, भक्त जो मुझ सगुण रूप को श्रद्धा युक्त और एकाग्र मन उत्तम योगी मम दृष्टि में धन्य है अर्जुन उनका जीवन। बोले सगुण रूप की भक्ति को ही भगवान ने श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि सगुण की भक्ति करना बहुत कठिन है, एक मेरे जैसा ही हो और कर्म भी मुझसे ज्यादा घोर हो उसके,
माया में लिपटे हुए दिखाई दें। ज्यादा वो कह रहा है गुरु जी का बोले पोता आया स्कूल से, क्योंकि नहीं थी बहू, तो बहू बेटा बाहर थे, तो स्कूल से सत्संगी कोई ले आए सत्संग में ही बेटे को पोते को, अब उसको गुरु जी मुंह पोछ रहे हैं, उसका हाथ मुंह पोछ रहे हैं, उसको कुछ खाने को दे रहे हैं सत्संग में बैठे बैठे, मन में क्या चलेगा। हमसे तो कहते हैं ऐसा करो सत्संग में बिल्कुल दत्तचित्त होकर बैठो, खुद अपने पोते को जो है पानी पिला रहे हैं उसके हाथ में पोछने थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता है, पहले सत्संग कर ले। यही तो ऐसे ही तो चित्त चलता है हम लोगों का, कहते कुछ है करते कुछ है, तो कैसे समझ सकते हैं उन्हें कि अंदर में वो कौन सी करनी, इस जगह बैठ के बाहर के सब काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी हम लोग जान नहीं सकते। जानने के लिए वहां तक पहुंचना अति जरूरी है, तब कर्म की गति का रहस्य समझ में आएगा कि कहां बैठ के ये क्या कर्म कर रहा है, अन्यथा जीवन भर उलझे रहेंगे और उलझ उलझ ये जग जैसे कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाए। राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम, बोले उलझ उलझ के मर जाएंगे बुद्धि से सोच सोच के, हमने तो ये किया उसने ये किया फलाने ने ऐसा किया ढिकाने ने ये किया, उसको तो ऐसा कर रहा है, हम है तो गुरु जी ऐसा कर, क्या हम गुरु जी हम करते हैं तो गुरु जी को बुरा लगता है, गुरु जी खुद करते हैं तो गुरु जी को सब सही लगता है, तो बताओ ज्ञान देते कुछ है करते कुछ है, कैसे हम तुम समझ पाएंगे, उन्हें समझ सकते हैं बताओ, कोई भी बताए कैसे समझ सकते हैं उन्हें। कोई तरीका है उन्हें समझने, क्योंकि कर्म तो बड़े उल्टे पुलटे हैं। अभी तो एक कर्म की बात बताई, दो कुछ कर्मों की बात लिखी है किताब में, लेकिन किताब को पढ़ लेना और जब अपने पास वैसी स्थिति आए उसमें हम टिके रह जाएं, ये दो अलग अलग बातें। मन जो है ना खिन्न हो जाता है, बहुत कहते नहीं नीरसता आ जाती है, संसार अच्छा नहीं लगता है कि कहाँ जाएं, गुरु जी भी ऐसे करते दिखाई दे रहेंगे, समझ ही नहीं रहे हमको, किस साधक को ऐसा महसूस होगा, वही जो देह भाव में ही पड़ा हुआ है। देह मिली है बुद्धि की स्वतंत्रता के साथ, सिर्फ इस बुद्धि से ये जांचने के लिए कैसे कर्म करते हुए भी अकर्ता है वो, उनके हर कर्म में हमको और आपको खोजना करना जरूरी है, नहीं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे ना अपने को ना उनको, तो जान ही नहीं पाएंगे ना अपने को जान पाएंगे, अपने को बस देह भाव के बुद्धि से जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते, मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रही हूँ मैं ऐसा करती हूँ मैंने वो किया दूसरे ने मुझे ऐसा गलत समझा मेरे को समझ नहीं रहा ये है वो है पता नहीं क्या क्या दिमाग चलेगा, दिमाग के घोड़े ना बहुत अच्छे दौड़ते हैं, तो उन्हें किसको चढ़ाना है, दिमाग को चढ़ा देना, चरणों के चढ़ा देना है, भजन नहीं गाना है, गुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरवर मान इज्जत से महंगी है,
रफा की नजर में मान इज्जत जा रहा है तो डर काहे का। ये तो पहले ही संतों ने बोला है, मुंह काला कर लोग दिखावे तब लालन के लाल को पावे। लेकिन लाल को पाओ तो मुंह भी काला करो और महमा में ही बैठे रहो, ये सब तो गड़बड़। नमाया मिली न राम, भैया बेइज्जती से बचते रहते, आते ही नहीं इस दरबार में। यहाँ तो देह की छीछा लेदर तो गुरु जी ने करी या सबकी करी, किसकी नहीं हुई है। जितने भी भक्त हैं उनसे पूछ लो क्या क्या लोगों ने इल्जाम उनके भक्तों नहीं लगाए और क्या क्या किया है उनके साथ, कैसा छल कपट, कैसा इधर उधर सामान में भी इधर उधर कर देना ताकि गुरु जी की नजर उन्हें मिल जाए, हेरा फेरी, जैसे ईश्वर जानते ही नहीं कहाँ है। ये सब किया है भक्तों ने जो ना समझ है उन्होंने। अब जो समझदार हैं, गुरु भक्ति में लगे हैं, उन्होंने सर झुका के हर स्थिति को सहा, ये सहा नहीं है, संभाल लिया है अपने आप को कि ये भी इसमें भी मेरी भलाई, इसमें भी मेरी भलाई, इसमें भी मेरी भलाई। तभी दो चार का नाम है गुरु जी की जुबान पर, बाकियों का तो नाम नहीं है। ये तो बहुत सारे गुरु जी के कारण क्या हुआ, लेकिन उनकी नजर से ही, उनकी कृपा की नजर से ही उनकी तरक्की होती गई। हम कर्म के माध्यम से तरक्की चाह रहे हैं। हमसे हमारे नंदुई ने कहा था, बहुत शुरू की बात है, तब वो आरएसएस में थे उस समय, तो वो गुरु पूर्णिमा थी, हम तो गुरु की पूजा करने वाले छगोर की आकार अपने जैसे की, वो बोले हम लोग कुछ नहीं रखते हैं, हमारे वहां कोई भी वो नहीं है, आकार नहीं है। तो हमने कहा फिर पूजा किसकी करने जा रहे हैं, वो भी गुरु पूर्णिमा में जा रहे थे, आरएसएस में गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, महोत्सव था। तो हमने कहा फिर आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं, गुरु जब कोई है ही नहीं तो फिर ये उत्सव महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। बोले हम प्रतीक स्वरूप झंडे को रखते हैं, अपने देश के झंडे को तिरंगा झंडा हम रखते। तो हमने कहा आकार तो आपने लिया ना, हमने उनसे कहा तो आपको भी सहारा लेना पड़ा ना, बेशक झंडे का सहारा लिया, तो अगर आपने झंडे का सहारा लिया तो हमने एक गुरु का सहारा लिया, नाम रूप का सहारा लिया, पूजा भी कर रहे, पूजा भी कर रहे, क्या गलत। तो इसे मुसलमान भी कहते हैं ना कि हमने मूर्ति पूजा में कोई तो आकार लेते हो, काबे की तरह मुंह करते हो, काबे को नहीं बात है। आकार तो कई किसी चीज का तो करते ही हो, आकार के बिना कैसे पूजा आप किसकी करने जा रहे हो, तो है कि आकार के बिना होती ही नहीं। ये सारी सारी समझ सब गुरु जी ने दी है, सब सच बता रहे, गुरु जी ने बोल बोल के नहीं दिए, अपने कर्म के माध्यम से और उन्हें ढूंढने के माध्यम से अंदर से समझ में आए। नहीं तो बातचीत कितनी हम लोगों की गुरु जी से होती थी, चार प्रश्न का उत्तर गुरु जी से दे कोई मतलब ही नहीं होता था। हम एक बार गुरु जी को देखते थे, गुरु जी कहे कि राम राम मैं कहता हूँ तो मैं कह नहीं पाता हूँ, पहले मैं राम राम कहता था दो तीन बार में तो मेरे ध्यान लग जाता था, अब मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, चार बार पांच बार भी राम राम कह लेता हूँ तो भी मैं जगा रहता हूँ, ऐसा बार बार कह, दो तीन बार हो गया, जब जाए तो ये प्रसंग जरूर आए हमारे सामने, जब भी जाए हम लखनऊ अब सत्संग हो तो उसमें ये बात जरूर आ जाती थी, तो लगे बार बार एक ही बात आ रही है तो मुझे क्या है गुरु जी के इस प्रश्न को हमें भी अंदर से
अंदर में ले जाना चाहिए और खोजना चाहिए। तब ले गए अंदर, क्यों ऐसा होता है गुरु जी के साथ, गुरु जी पूछते भी थे। तो एक बार शिवरानी माता जी बोली, अरे भगवान अभी और तभी में बहुत अंतर है आप में, लेकिन गुरु जी तो समझ में नहीं आया, गुरु जी पूछते रहते थे कोई जवाब होते ही नहीं था। लेकिन फिर जब हम अंदर ले गए तो हमको समझ में आया कि भाई नई नई शराब पियो तो नेचुरल सी बात है कि उसी समय चढ़ जाएगी। अब रोज के आदी हो जाओ तो सारे काम कर लो, उसके बाद भी आप डूबते नहीं हो, डूबे रह गए उसकी मस्ती में सारे काम करते हो, तो वही हाल उनका गुरु जी का। और जैसे ही मेरे को अंदर से ये बात समझ में आई, हम डायरी लिखते थे, लिखी भी हमने बात, शायद गुरु जी को ध्यान नहीं है, उसमें भी लिखी हो, चिट्ठी में लिखी हो या नहीं है याद नहीं, लेकिन उसके बाद से वो प्रश्न कभी नहीं आया। जैसे ही अपने अंदर में समझा, उसके बाद से वो प्रश्न कभी सामने आया ही नहीं गुरु जी के द्वारा। तो लगा कि देखो गुरु जी सब बात सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारी समझ के लिए होती है, हमारे हित के लिए होती है, उनके द्वारा, उन्हें उनके उनको जानते जानते हम अपने को जानने लगते हैं, उनको अकर्ता मानते मानते हम खुद अकर्ता हो जाते हैं। लेकिन देह भाव में रह के हम अपने को अकर्ता माने और दूसरों को कर्ता मान रहे हैं, ये ज्ञान सही नहीं है। यहाँ तक कि गुरु जी को कर्ता माने, हम अकर्ता हैं, हम बड़े भारी भक्त हैं, गुरु जी कर्ता हैं, गुरु जी ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो कभी हमें ज्ञान हो सकता है। बोले पोथी पापड़ जग हुआ भया न पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित, ढाई अक्षर ही प्रेम का पढ़ते पढ़ते अभी भी प्रेम का पूरा पाठ नहीं पढ़ा है ऐसा लगता है, अभी भी कमी है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं मन फिसल जाता है, उसके साथ हम भी फिसल जाते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है, कभी लगता है कि नहीं इसमें भी रहस्य है। लेकिन जानते तो जा रहे हैं गुरु जी के माध्यम से अपने को ही ना, सत्य में तो टिका रहे हम लोग गुरु जी, और कर क्या रहे, असत्य से निकाल रहे हैं, अरे किराए के घर से निकाल रहे हैं अपने घर में, पत्थर कितना खुश होती है, एक अपना घर हो जाए बाहर क्या, एक घर हो जाए जो मेरा अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, एक घर हो जाए, कितना इंसान सोचता रहता है जीवन भर, और जहाँ रहता है उसको किराए का घर समझ के उसकी, कोई कोई ही होते हैं जो ध्यान रखते हैं, अन्यथा बेकदरी ही करते हैं। संसार में भी किराए का घर है तो हमें क्या करना है, इसमें टूट फूट हो चाहे इसमें कुछ हो, हाँ हम क्यों पैसा लगाएं, ऐसा कर जाता था। लेकिन कुछ होते नहीं, रहे तो हम रहे हैं, आबो हवा हमारी खराब हो रही है तो हमको कायदे से रखना है इस शरीर को, वैसे ही जब बाहर के मकान को कायदे से रखना है तो जो ये शरीर रूपी मकान है इसको कैसे रखना है, इसको मनमाना चला के इसका नुकसान करते रहना है, और इसी नुकसान के प्रभाव हम पे कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो इस शरीर में रह रहे हैं, इस घर में रह रहे हैं, किराए के घर में। एक कुत्ता भी जहां बैठता है थोड़ा सा झाड़ लेता है तब बैठता है, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे उठते हैं, अपने शरीर में अपनी मैं को पालते रहते हैं, और कहां हम सफाई करते रहते हैं अंदर में नाम रूप की। कि नाम रूप से कुछ नहीं हो रहा है, सब ईश्वर से हो रहा है और सब सही हो रहा है, हम कितनी सफाई इस बात की करते रहते हैं जीवन में अपने,
अपने अपने आप विचार कर लें। जैसा तुम मासी एक अनुभव शेयर करें। अभी जो आप मासी कह रही थे ना कि साकार की भक्ति बड़ी कठिन होती है, निर्गुण की तो भक्ति ऐसे हो जाती होगी क्योंकि कोई सामने टोकने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता है, अपने मन से ही हम चलते हैं, सोच रहे हैं, उसका अभिमान भी हो जाता है। तो इस बात को शेयर ऐसे करते हैं कि मासी जैसे गुरु जी कहते थे ना कि सात परत में कोई विकार होता है, तो शुरुआत की जो परत होती है वो तो बाय डिफॉल्ट जैसे हमें पता होती है, जैसे हम क्रोधी हैं और गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्रोधी हैं, हमारा विकार है, प्रबल है, तो गुरु जी इसको निकाल दीजिए, हम प्रार्थना भी करते हैं। तो शुरुआत के दिनों में जैसे गुरु उस विकार को निकालता है, हमें आराम आता है, तो हम शुक्राने में भी आते हैं कि गुरु जी मेरा क्रोध रूपी विकार या कोई भी पर्टिकुलर विकार को ले लीजिए, उसको निकाल लें, क्योंकि दिखता है कि हम पहले से कम क्रोधी हो गए हैं, कम लालची हो गए हैं, कम लोभी हो गए हैं, तो बड़े शुक्राने में रहते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं सात परतों में होता है, मतलब जो सातवीं छठी परत होती होगी वो तो शायद हमारी बुद्धि के परे परत होती होगी, तो हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हमने बिल्कुल शुद्ध हो गए। जैसे एक समय ऐसा भी आता है कि ऐसा लगता है ना कि विकार गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने ही सब कुछ करके, हमें तो कुछ हमने नहीं प्रयास किया, गुरु जी ने हमारा वो विकार दूर कर दिया, ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हम आ गए। तब गुरु जब उस पर हमला करता है तो थोड़ी बहस होती है कि जैसे ये तो आपने कर, आप ही ने करा भाई, आज देखिए इतनी शांति का अनुभव है, इतना हमने महिमा गा दी, अब आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये है, तो थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है। मसीह अनुभव से बता रहे हैं ऐसा कि फिर वो लगता है कि इतना कह, मतलब हम कह चुके हैं सब कुछ और हम एहसास करते हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ जा चुकी है, आप भी आप कह रहे हैं ऐसा। इसका मसीह का अनुभव बताते हैं। जब आखिरी बार हम गए थे रेखा मसीह के यहाँ, जब गुरु जी वहाँ पर ही थे, तो गए थे और लौटने का दिन था मेरा, रात की मेरी बस थी वहाँ से दिल्ली से, तो करीब सत्संग के बाद ही निकलना था, तो हम निकल ही रहे थे लगभग, तो हमने कहा गुरुजी फिर आज जाना है या जा रहे हैं, टिकट वगैरह सब कुछ बुक था, तो गुरुजी ने कहा जाना हो जाओ और ना जाना हो ना जाओ, ऐसे करके थोड़ा सा उन्होंने द्वंद रखा, मतलब अगले दिन मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि जाना हो जाओ ना जाओ, मतलब, और फिर पलट कर जैसे सो गए ऐसे, है ना, मतलब कोई आंसर नहीं दे रहे, तो जैसे एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिला ना कि जैसे आप जाओ आज, कल जाकर ज्वाइन कर लो। तो हमने कहा ये कैसे गुरु जी को कहना चाहिए कि हम जाओ, तीन दिन से शायद हम रुके भी हुए थे वहाँ पर। फिर अंत में ये हुआ कि समय बीता गया बीता गया बीता गया और वो समय आ गया कि जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, तभी गुरु जी ने कोई इशारा किया जाने का, मतलब द्वंदी रखा, तो हम उस दिन नहीं गए। लेकिन मन में थोड़ा सा वो आया ना निगेटिविटी कि यार बताओ सब कुछ प्लान्ड था पहले से, सब कुछ बुक्ड था, और दोबारा कैसे अगले दिन का टिकट मिलेगा और कल ज्वाइन भी करना है, फिलहाल रुके रहे, लेकिन अब तो समय निकल ही गया था। उस दिन क्या था, मासी दीदी को भी आना था लखनऊ से यहाँ पर रजना आंटी के साथ, वो भी किसी साधन से वहाँ पहुँच रही थी गुरुजी से मिलने के लिए। तो जब वो दीदी लोग पहुँची, हम ही को कहा गया कि जाओ वहाँ स्टेशन से रिसीव कर ले आओ, हम भी उनके साथ गए मुरारी भैया के साथ। जब लेकर आए तो गुरुजी ने कहा कि देखो इसकी बहन आने वाली थी ना इसलिए रुक गया, ये मतलब गुरुजी ने कहा कि इसकी बहन आने वाली थी ना इसीलिए देखो रुक गया, नहीं तो इसको जाना चाहिए था, ऐसे करके उन्होंने कहा। और हमें अंदर से तो बड़ा गुस्सा आई ऐसे, क्योंकि मासी क्या था ना, ये शायद वही पांचवी छठी परत वाली बात बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो आसक्ति है ही है, बहन के साथ सबकी आसक्ति होती है, बहुत जुड़े हुए थे बहन से, और बहन ही मुझे सत्संग में लाई, तो बहुत जैसे नहीं मेरे लिए बहुत ऊपर हैं वो, बहुत श्रद्धेय हैं, तो जुड़ाव तो है ही, मतलब उनके सामने मैं नत हमेशा रहता हूँ, और एक बहन के नाते जुड़ा भी हूँ संसारी रूप से। लेकिन इसकी बड़ी काटछाट हुई, क्योंकि सत्संग जब हम एक बैच में करते थे तो हम लोग अलग अलग ही रहते थे, बहुत ही कम आपस में बात करते थे, तो गुरु ने इसको काटा था, उसकी सफाई करी थी इस मुँह की, तो लग रहा था कि जैसे हम दूरी हैं, और उस समय मुझे लग रहा था कि बहन की वजह से हम नहीं रुके हैं मासी, ये स्टैंड था मेरा, मतलब बहन का विचार भी नहीं था कि वो आने वाली है, हमको लेने जाना है इसलिए हम रुक जाएँ, या उनका ख्याल रखें, उनको सुरक्षित घर पहुँचा दें, साथ में चले जाएँ वापसी, सुरक्षा हो जाएगी, मतलब ऐसे मन में कोई भाव नहीं था मासी। लेकिन चूँकि गुरु जी ने बोला इसलिए हमको हाँ करना था कि अपनी बहन की वजह से तुम रुके हो, ये वही छठी परत की मासी वो बात थी जो कि हम समझ नहीं पाए मासी, अंदर से हमने हाँ नहीं करा इस बात को, और हम अंदर ही अंदर बस जैसे कि ना ही करते रहे कि नहीं ये बात गलत गुरु जी कह रहे हैं, ये बस क्या कि मन को पलटने के लिए, मन बनाने के लिए ऐसे कोई भी बात कह रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं है, हमने उसमें हाँ नहीं करा मासी। अब वो गुरु जी का शरीर भी शांत हो गया, फिर मासी आप आई, आपने भी कभी इस बात को खोला नहीं, आपने भी कभी इस सिचुएशन मुझे डाला नहीं कि जहाँ पर वो मेरी मुँह की ना जैसे मुझे आग लग जाए, ऐसी कोई बात आपने नहीं करी, आपने हमेशा अप्रिशिएट ही करा दीदी को, यहाँ जब भी उन्होंने भजन गाया आपने हमेशा अप्रिशिएट करा, मतलब जिस तरह से हम सोचते हैं उनके प्रति, हम जिस भाव के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं या सोच में रखते हैं, वैसी ही सोच आपने भी प्रदर्शित यहाँ सत्संग के माध्यम से करी, या जब भी स्थूलता में आप मिली तभी आपने वैसी ही सोच रखी, तो वो जो मन
क्रोधित होता है ना, गुस्से में आता है, जब एंटी होता है, वैसी सिचुएशन आपने नहीं प्रोड्यूस करी यहाँ पर। हम मासी समय और बीता, अभी बहन जी आंटी के यहाँ गए थे। मैं साकार की बात बता रहा हूँ मासी, कि वो छोड़ेगा नहीं, अगर छठी सातवीं परत का काम बचा हुआ है तो वो उसको निकालेगा ही। वो मासी क्या हुआ, फिर उन्होंने दीदी को डांटना शुरू करा, वो अब्सेंट थी उस दिन सत्संग में, उनके यहाँ सैटरडे का नियम कुछ बनाया था, वो नहीं पहुँची थी, तो उन्होंने फिर डांटना शुरू करा। उन्हें कहा वो भजन गाती है कि मुझे रास्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, इसे निशान मिले हैं, मतलब उन्होंने अपनी टोन में जैसे डांटती हैं, उन्होंने डांटना शुरू करा वहाँ से, मुझे तेरे पैरों के निशान मिल गए, निशान नहीं, निशान थोड़ी मिल रहे हैं उसको, ऐसे करके उन्हें। तब मासी फिर मुझे वही आग लगी है ना, जो एंटी वाली होती है ना, कि जैसे नहीं कहना चाहिए कि वो भक्त हैं और ऐसे ना, और यही वो इलाज है मासी, यही वो इलाज है बेसिकली। वो जो छठी सात परत का ना, मेरे अंदर ही है, बाहर से तो वो केवल मेरे अंदर के विकार को निकालने के लिए ही वो ऐसी क्रिया कर रहा है, क्योंकि दोष तो मेरे अंदर है, वो व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन परेशान मैं क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो एक अटैचमेंट है, वो एक विकार है, जो कि मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरे अंदर वो विकार है। बस हमें तब लगा मासी, ये हम उस समय भी ना हाँ कर पाए, उनकी बात को जैसे नहीं इंडोर्स नहीं कर पाए, और हालांकि हमसे कुछ नहीं कह रही थी, वो तो पूरी सभा को बता रही थी, लेकिन हम बेचैन क्यों हो रहे थे, क्योंकि मेरा उसके साथ जुड़ा था, कि जैसे मेरा बच्चा है वो रो रहा है ना, जैसे मैं जुड़ा था, मेरी मैं थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया उस समय। मैं उस समय कुछ बोला नहीं, लेकिन घर में जाकर आगे जब एनालिसिस करी तो मासी हमको यही लगा कि वही जो गुरुजी उस दिन रात में कह रहे थे कि तुम अभी बहन की वजह से यहाँ रुके हो, अगर उस समय मासी हाँ कह देते तो शायद वो मासी छठी सातवीं परत का भी गुरुजी उसी समय इलाज कर देते, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग था, इसलिए बहन जी आंटी ने उसी चीज़ को फिर से छेड़ा कि तुम अपनी स्थिति समझो कि अभी भी तुम जैसे चिपके हुए हो अंदर से किसी तल से, जो कि तुम हाँ नहीं कर पा रहे हो, हाँ कहो उसको। और फिर मासी आराम मिला, हमने अपनी गलती मानी कि सच में मासी जुड़े हुए हैं शायद शरीर से, इसीलिए वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। यही मासी कहना था। जय सतगुरु। यही लेकिन क्या करता है, देह भाव से डिटैच करके प्रेम भाव से जोड़ देता है, अटैच कर देता है आत्मा से। सब सब में वही परमात्मा है, वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, वही उसके अंदर है। तो बहन में दिख रही है वही आत्मा, कसक लग रही है, गुरु में नहीं दिख रही है, क्योंकि गुरु कह रहा है किसी के, तो वो अपना ही तो अटैचमेंट दिखाई देता है नाम रूप के साथ या संबंधों का, तो उसका दर्शन करके बस उसको जान लो, दर्शन कर लो, बस बात खत्म हो जाती है। फिर गुरु गलत नहीं लगता है कि हाँ मेरा मोह है, तो मेरा है ना। अब उसमें गुरु अगर, अब गुरु अगर मोह काट रहा है तो गुरु जरूर कहीं ना कहीं हमारा तुम्हारा कल्याण कर रहा है, दोनों का कल्याण कर रहा है। जो जीवन में कहीं काट होने वाली होगी, कहीं जुदाई होने वाली होगी, या कहीं भत्सरना होने वाली होगी, तो वो गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से वो सब कट जाता है हमारा तुम्हारा, बहुत छोटे में, क्योंकि सब सामने आए तो बहुत दर्द, बहुत बहुत काटना, क्या उसको बहुत मुश्किल होता है वो समय बिताना। जैसे ना कोई भी प्रारब्ध है ना, आपके सर पे आके कोई पत्थर पड़ जाए एकदम से, तो कितना मुश्किल होता है उसकी दर्द सहना। ऐसे ही प्रारब्ध हम सब के जीवन में है, लेन देन कुछ ना कुछ तो बाकी है, तभी तो है। तो लेन देन की हांसी कोई, रस्सी कोई काट देता है गुरु अपने माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, हमारे साथ जो भी उल्टी सीधे करता है उस सब में हमारा कल्याण होता है, हमारा कहीं ना कहीं कट जाता है। तभी तो वो कुछ भी करे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा काट रहा है, हमें तो और चिरस्थाई मिलन के ओर ले जा रहा है वो, कि हमारी हमें कभी जुदाई ही ना लगे, हमें कभी भय ही ना लगे, हमें अपनी बहन के लिए या किसी के प्यारे के लिए असुरक्षित हम कभी महसूस ही ना करें कि उनकी सुरक्षा का हमें भय लगे। क्यों, गुरु जी अपने माध्यम से ऐसा दर्शन करा देते हैं कि सब जगह बहन की रक्षा के लिए, हमारे प्यारे की रक्षा के लिए कोई ना कोई परमात्मा सगुण रूप में खड़ा ही रहता है। ये सच बता रहे हैं, ये ऐसा बढ़िया गुरु जी का ज्ञान है कि महसूस होगा कि सब जगह वो, कितने भी निर्जन में हमारे, हमको याद है
थोड़ी ऐसी परेशानी थी तो दीदी बहुत डरवाई थी कि नहीं ना भेजिए, लेकिन गुरु जी ने तो पहले साथ साथ कह रहे थे, बाद में तो किसी के साथ ही नहीं, काका देवांटी के साथ भेजने के बाद किसी के साथ नहीं, अकेला भेजिए किस, इसलिए कि क्या मेरा नुकसान करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि मैं तो सब जगह प्रकट हो जाता हूँ, जरूरी नहीं है इसी स्थूल नाम रूप में, मैं कहीं भी प्रकट हो के तेरे भाव से तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा और जीवन में ये कि बड़े स्थूल शरीर, लेकिन गुरु जी का ध्यान किया तो वो प्रकट हो गया सहारा बन के। ऐसा उसका भी कितना विश्वास उस ईश्वर पर, भक्त को भी तो वही विश्वास करना पड़ता है कि वो कड़कड़ में है, सिर्फ एक नाम रूप में नहीं बैठा हुआ है, भक्त को भी तो वो यही लगाना चाहते हैं कि वो सब जगह है, सब जगह है, कड़कड़ में व्यापक है। हम लोगों का तो यही लक्ष्य है कि हम इस बुद्धि से भी उसी को देखें, इन आंखों से चर्म चक्षु से हमें वो दिखाई दे, जो सिर्फ चमड़ी देखने वाले चक्षु हैं, इनमें ईश्वर दिखाई दे, इनसे ये हमारा गुरु तो हम लोग को इसी तरफ ले जाने के लिए ही तो सारे कर्म कर रहे हैं हमारे साथ, जो भी हो रहा है कहीं से भी वो तो इसीलिए है कि हमें बहुमूल्य कुछ लेना चाह रहे हैं, भक्तों को ही तो अपनी दात देता है, जो माया में फंसे हैं उनको थोड़ा ना दे देता है, दे देगा ऐसे, माया का प्रभाव ज्यादा है दीदी, ऐसे बिल्कुल थोड़ा ना, हमारी तुम्हारी ही तो, क्योंकि कहते जैसी पढ़ाई होती है बड़ी कठिन होती है ना, जितनी बड़ी पढ़ाई वो ज्यादा पैसा भी मांगती है, अच्छा स्कूल में बोले MBA करना है तो अच्छे स्कूल में जाओ, माना है कलकत्ता का, माना है अहमदाबाद, माना है वहां का, तो उसमें करने के लिए आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है और काबिलियत भी चाहिए होती है ना, तो यहाँ तो यही है, बहुमूल्य कुछ पाने के लिए गुरु को ही राइट है, ऑलवेज गुरु ऑलवेज राइट है, चाहे वो जो तुमने बोला ना मान नहीं पाया, मन बुद्धि तो नहीं मान पाई, लेकिन धीरे धीरे वो सारी परतें खुलता जाएगा, सत्संग कर रहे हैं हम लोग तभी तो परतें खुल रही है हमारी, अगर सत्संग तुम ना कर रहे हो तो क्या परत खुलती, वहां की वही रहती, गुरु के प्रति आस्था में सेंध लगी होती, अंदरूनी सेंध होती है ये बड़ी, लेकिन सत्संग के माध्यम से क्या होता है, हम लोग को सत्य की राह मिलती रहती है और हम अपने गुरु जी को उसी माध्यम से बहुत उनकी करनी में रहस्य जानने, पहले भी जो करनी होती उसमें भी हमें रहस्य देखने लगता है, जो हमें आत्म को यही तो हुआ रहस्य देखने, अरे ये सातवीं छठी पर खोल रखते हमारी, बहुत अच्छा है गुरु, बहुत अच्छा, हम भक्त हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति भगवान सलामत रखना, हम तेरे ही भक्त हो, मन के भक्त नाम बनाना, तेरे भक्ति बस ये प्रार्थना करे ना हम लोग आराम मिलता है। बोले निर्गुण भक्ति जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं साधक के लिए, नाम रूप साधक के लिए नाम रूप एवं आकार रहित परमात्मा का ध्यान करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें मन के लिए कोई आधार नहीं होता, दूसरे पथ प्रदर्शक के बिना मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करना भी कठिन हो जाता है, इसके अतिरिक्त इसमें चूंकि मन की सम्मति अर्थात मन मत ही सम्मिलित होती है और मन क्योंकि जन्म जन्मांतर से माया में लिप्त होकर माया रूप बन चुका है, इसलिए वह साधक को पथ
विचलित करने का पूरा प्रयत्न करता रहता है। अभिप्राय यह है कि यह मार्ग हर दृष्टि से कठिन है, निर्गुण का। इसके विपरीत सगुण भक्ति के मार्ग में समय के पूर्ण सतगुरु पथ प्रदर्शक बनकर पग पग पर मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का साधन बतलाते हैं तथा अपने प्रवचनों द्वारा जागृत कर मन की कुचालों से बचाते हैं, जिससे यह मार्ग अत्यंत सरल बन जाता है। साधक इस मार्ग पर अग्रसर होता हुआ शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सगुण तथा निर्गुण का भेद बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फरमाया कि अय अर्जुन, अपने निर्गुण रूप का बोध कराते हुए मैंने तुझे बताया कि मैं ही सब भूतों में विराजमान हूँ, आदित्य में विष्णु, ज्योतियों में रवि और मरुतों में मारीच हूँ, महर्षियों में भृगु, इंद्रियों में मन, वेदों में साम, जलचरों में वरुण तथा यादवों में वासुदेव। तब उन निर्गुण रूपों का आकार तेरे सम्मुख न होने के कारण तूने उन रूपों को ध्यान में धारण किया, परंतु प्रत्यक्ष न देख पाने से तुझे कुछ भ्रम सा प्रतीत होता है। तेरे प्रेम तथा सखा भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी विनय पर तुझे वह विराट रूप दिखाया, जिसमें तूने सब महर्षियों, ज्योतियों तथा अन्य वर्णित किए हुए सब रूपों को देखा, किंतु तुझे मेरे सगुण रूप से बढ़कर अन्य कोई स्वरूप प्रिय न लगेगा। हे अर्जुन, सच्चा प्रेम, श्रद्धा भाव, निष्काम भावना से सेवा तथा अपने अस्तित्व को ईश्वर में लीन किए बिना अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बोले प्रेम सच्चा प्राप्ति ही तब होगा, प्रेम का सच्चा पाठ ही तभी हम पढ़ पाएंगे जब हम अनन्य भक्ति में आ जाएंगे। अनन्य में का मतलब है अन्य नहीं। अच्छा, अन्य नहीं में मैं भी तो आ जाती हूँ, मेरी मैं भी तो आ जाती है कि मैं भी नहीं। जब सब जगह कह रहे नहीं तेरे सिवा हम कोई नहीं, हम तो नहीं, तो बस, तो उसमें फिर हम कैसे आ गए? हमें भी तो माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस अपने को भी करना है। मैं नहीं, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू सब जगह। अब मैं बन के मैं तो अपने मैं खड़ा करे हुआ हूँ, तो अनन्य भक्ति थोड़ी ना इसको कहते हैं।